हमारी रिहायशगाह से जो ट्रेन स्टेशन है दैट इज़ वेरी नियर, दूर नहीं है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर है। तो मसला ये है कि 1 किलोमीटर सीढ़ियाँ हैं, सारी स्टेयर्स हैं, दूर तक सीढ़ियाँ हैं, दूर तक सिर्फ 1 किलोमीटर। दोस्तों पहुँच गए हैं जी हम लोग ट्रेन स्टेशन पे, आपको पीछे नज़र आ रहा है प्लेटफॉर्म 13 हमारा प्लेटफॉर्म। स्टे इन टच क्योंकि जो लैंडस्केप है स्कॉटलैंड और यूके के बीच में जो ट्रेन के नज़ारे हैं लोग उनको देखने को पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कॉटलैंड में बहुत इन्जॉय किया है, एडिनबर्ग को एक्सप्लोर किया है और खूब मज़े किए हैं। यहाँ का वेदर और यहाँ की कॉफ़ी और यहाँ की हिस्ट्री, बिल्डिंग, सब कुछ बहुत इन्जॉय किया। अभी हम जा रहे हैं वापस मैनचेस्टर यूके और लेके चलते हैं आपको इस सफ़र में और लैंडस्केप दिखाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी जो यूके की जर्नी है स्कॉटलैंड और यूके के दरमियान ट्रेन की, उसका लैंडस्केप अमेजिंग है। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता ज़रा आगे की तरफ चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ से अभी बेसिकली ट्रेन हम लोग पकड़ेंगे, तकरीबन 3 घंटे की ट्रेन है यहाँ से मैनचेस्टर की और हमें वो लेके जाएगी फास्ट ट्रेन मैनचेस्टर में। चलें जी, लेट्स गो। अच्छा दोस्तों, हमारी रिहायशगाह से जो ट्रेन स्टेशन है दैट इज़ वेरी नियर, दूर नहीं है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर है। बट मसला ये है कि 1 किलोमीटर सीढ़ियाँ हैं और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से नीचे जाएंगे हम, सारी स्टेयर्स हैं, दूर तक सीढ़ियाँ हैं, दूर तक सिर्फ 1 किलोमीटर। ये देखिए दूर तक, अब सीढ़ियों पे जाएंगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है ट्रेन स्टेशन। हमें यही कहा गया था, ये नहीं पता था सीढ़ियाँ 1 किलोमीटर। ओके दोस्तों पहुँच गए हैं जी हम लोग ट्रेन स्टेशन पे, आपको पीछे नज़र आ रहा है प्लेटफॉर्म 13 हमारा प्लेटफॉर्म। यहाँ से अब हम जाएंगे मैनचेस्टर, 2-3 कनेक्शंस हैं बीच में, बट कोई मसला नहीं है, ट्रेन बड़ी कम्फर्टेबल हैं, सॉर्ट ऑफ VIP हैं, लग्जरियस हैं, आप आराम से बैठो इनमें। और 3 घंटे तकरीबन हमें लग जाएंगे, इस टाइम तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो समवेयर अराउंड 3:30 बजे हम लोग मैनचेस्टर पहुंचेंगे, मैनचेस्टर पिकाडिली। तो ट्रेन से भी आपसे मुखातिब होता रहूँगा, आपको ट्रेन की फैसिलिटीज़ भी बताऊँगा, बट इट्स वेरी कम्फर्टेबल। ट्रेन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं, तकरीबन हर बंदे की प्रेफरेंस यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि गाड़ियाँ रखना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, थोड़ा सा इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है और वो कोई ज़रूरत भी नहीं है लोगों को, तो लोग ट्रेन ट्रैम बसेस से ही ट्रैवल कर रहे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मतलब अभी से भी ट्रेन ओपन नहीं हुई, हमारी ट्रेन ओपन होगी तो हम इसमें बैठेंगे, तो लोग जो है ना वो खड़े हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है स्कॉटलैंड एडिनबर्ग, यहाँ से तकरीबन 3-3.5 घंटे बाद हम लोग इंशाल्लाह पहुँचेंगे UK मैनचेस्टर, और साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जो भी फैसिलिटीज़ हैं। बट स्टे इन टच क्योंकि जो लैंडस्केप है स्कॉटलैंड और UK के बीच में जो ट्रेन के नज़ारे हैं लोग उनको देखने को पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको ट्रेन में बैठ के भी बाहर के नज़ारे दिखाऊँगा, लेट्स गो। ओके दोस्तों, ट्रेन में हम लोग बैठ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं बड़ी कंफर्टेबल कॉजी किस्म की ट्रेन है, टेम्परेचर कंट्रोल, कोई बाहर बहुत ठंड है, बाहर लोग देखें जैकेट्स पहन के, फ्रीजिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे अंदर हम लोग बड़े रिलैक्स होकर बैठे हैं और अब मैनचेस्टर की तरफ जाएंगे। और इस टाइम तो हम एडिनबर्ग वेवरले प्लेटफॉर्म पर हैं, ट्रेन स्टेशन पर हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे स्टे इन टच। चलें जी, फाइनली एज आई सेड एग्जैक्टली टाइम पे, जो टाइम बताया गया था उस टाइम पे ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया। हमारा मैनचेस्टर तक का सफ़र अब तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र है, जिसमें हमें 2 ट्रेन वैसे चेंज करनी है, क्योंकि हमें सस्ती ट्रेन वो मिली जिसमें हमें चेंज करना था, डायरेक्ट वाली बहुत एक्सपेंसिव थी। तो हमने कहा कि हमें क्या मसला है, टाइम का हमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आप लोगों के लिए व्लॉगिंग ही करने आए हैं, घूमने फिरने ही आए हैं, तो ये भी चलता रहेगा। तो चलिए इंशाल्लाह जिस जिस स्टेशन पर उतरेंगे साथ साथ आपको गपशप लगाते रहेंगे। Thank you.
फाइनली 3 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मैनचेस्टर वापस। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर एयरपोर्ट स्टेशन, और ट्रेन मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, सवारियाँ पैसेंजर्स उतर रहे हैं। तो ये था हमारा अब तक का सफ़र स्कॉटलैंड से लेके यूके, एडिनबर्ग से लेके मैनचेस्टर का, 3 घंटे लगे हमें। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो वीलॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अगर नहीं भी पसंद आया तो ये सब काम कर लीजिएगा, हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।